और वो दुकान जो आपने देखी थी वहाँ। दोस्तों चलिए आपको सारा सामान दिखाती हूँ जो कल हम शॉपिंग करके लेके आए हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग भी है तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी घर का सारा काम फिनिश हो चुका है और आज है चिल्ड्रंस डे, तो सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो अभी मैंने सब्जी कट की है तो सब्जी में बनाएंगे आज हम पालक आलू की। तो पालक मैंने कट करके रख दिया है और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, तो नहाने के बाद में तब मैं सब्जी को छौंकूंगी। तो अभी बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं और अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो अभी नहाने के बाद मैं फिर मिलती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और हाँ, आप जो लोग मेरे चैनल पर आते हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें। तो चलिए मिलती हूँ मैं अभी आपसे। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ अभी किचन में और पालक तो मैंने काट लिया था और अब काट रही हूँ मैं आलू। तो देखिए यहाँ मैं आलू काट रही हूँ और ये तेल भी मैंने चढ़ा दिया है तो मेरा तेल भी गर्म होता रहेगा और मैं इतने में काट लूँगी आलू। और कल हम गए थे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो देखिए मेरी आँखें हैं वो भी सूजी सूजी हो गई हैं। तो बाइक पे हवा लगती है ना आँखों में, तो इसी तरह की हो जाती हैं मेरी आँखें। मैं सब्जी छौंक दूँगी पालक आलू की और बिल्कुल सिंपल तरीके से छौंकूँगी मैं सब्जी, तो क्योंकि ज़्यादा मसाले वाली बहुत कम खाते हैं। जैसे कोई स्पेशल सब्जी होती है उसमें ही मैं ज़्यादा मसाले डालती हूँ, वरना मैं ऐसे ही छौंकती हूँ सारी सब्जियों को। और कुछ लोग मतलब कमेंट करते हैं कि पब्लिक में व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मतलब सरल होता है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कठिन काम होता है। लेकिन हाँ, अगर आप पब्लिक में व्लॉग बना लेते हैं तो आपके अंदर की जो शर्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप बहुत अच्छे से व्लॉगिंग कर पाते हैं फिर। तो पब्लिक में व्लॉग आप ज़रूर शूट करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और चलिए अब मैं जल्दी से अपने किचन के काम को फिनिश कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको पूरी शॉपिंग, तो आप व्लॉग में बने रहिएगा। देखिए सब्जी तो बन चुकी है मेरी और ये रायता देखिए छौंक लगा दिया है मैंने और अमरूद बच्चों को देने हैं काट के। मैडम जी सुबह ही सुबह क्या खा रही हैं। और अभी बर्तन करने हैं मुझे साफ, तो अभी इतना काम करके मिलती हूँ आपसे क्योंकि मुझे आपको जो शॉपिंग करके लाई हूँ वो भी दिखानी है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों चलिए आपको सारा सामान दिखाती हूँ जो कल हम शॉपिंग करके लेके आए हैं। तो देखिए सारा कुछ मैंने रख लिया है, अब इसको सारे को निकाल देती हूँ और वीडियो लंबा ना हो तो वीडियो में बनी रहिएगा। बहुत अच्छा अच्छा सामान लेके आए हैं हम, तो चलिए पहले मैं सारा निकाल लेती हूँ। और मॉल से मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया था और ज़्यादातर मैंने सामान लिया था लोकल मार्केट से, तो जो भी सामान है सारा दिखाती हूँ। देखिए जो मॉल से लिया था वो तो मैंने केवल दो तीन पीस ही लिए थे, ये जैसे कि मैगी का पाउच है क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रेटों पर मिल जाती हैं, जैसे कि ये है कॉलिन वगैरह होती हैं जो ग्लास वगैरह साफ़ करने के लिए, ये इसके साथ ये फ्री और इसमें भी कुछ डिस्काउंट था तो बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ तो मैं मॉल से लेके आई थी। और कनिष्का के लिए लेके आई थी एक टॉप, देखिए तो कनिष्का की ये है टॉप। कनिष्का का सारा कलेक्शन दिखा देती हूँ पहले आपको, तो कनिष्का डेली यूज़ के लिए लेके आई है ये सर्दियों के लिए, तो एक ये है और कनिष्का का एक ये है। और लोहार गली से मैं क्या लेके आई हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। बहुत अच्छा लेके आई हूँ मैं लोहार गली से जो भी लेके आई हूँ। और देखिए ये शिव के लिए लेके आई हूँ एक डेली यूज़ के लिए स्वेटर, देखिए तो डेली में पहन लिया करेगा। और ये लेके आई हूँ मैं अपने लिए, तो वैसे तो मेरे पास डेली यूज़ के लिए बहुत है
लेकिन फिर भी मन आ गया मेरा, तो एक मैं लेके आई हूँ। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये कुछ पीच कलर है और ब्लैक कलर है, और ब्लैक पता नहीं क्यों मेरे हर साड़ी में हर चीज़ में होता है, तो मुझे सभी टोकते हैं, पर कोई बात नहीं, क्या करूँ, मुझे पसंद आता है। और ये कनिष्का लेके आई है, देखिए अपने लिए ब्लैक जूतियाँ, तो देखिए ये भी ब्लैक है, पर क्या करूं, क्योंकि मुझे एक भाई है या बहन है पता नहीं कौन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि ब्लैक कपड़े पहन के मंदिर में नहीं जाते हैं, तो आपने भाई बिल्कुल सही किया कमेंट जो किया, लेकिन मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो देखिए आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और अपने लिए लेके आई थी ये वाले स्लीपर, तो जैसे कि मार्केट वगैरह जाते हैं तो पहन लेते हैं, तो बताइएगा कैसे लगे। और देखिए, और जो लोहार गली से लेके आई हूँ वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए बॉक्स तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं वहीं फेंका ही, केवल दो बॉक्स लेके आई हूँ, तो इन्हें मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके की साड़ियाँ हैं और डेली यूज़ के लिए लेके आई हूँ मैं। एक है ये, इसमें साइड में ये लेस लगी हुई है और ये फ्लावर बने हुए हैं। एक तो ये कलर है और एक कलर है ये येलो, येलो कलर मुझे बहुत पसंद है, तो इस बार मैं येलो कलर लेके आई हूँ। तो ये हैं, अभी और भी हैं, और भी दिखाती हूँ आपको। देखिए एक तो है ये, तो ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैं भी लेके आई हूँ। और इसके साथ ये ब्लाउज है, क्योंकि जो इसकी ये लेस है ना, इससे ये मैच हो रहा है। एक है ये और एक है ये और एक है ये, तो चलिए मैं भी खोल के ही दिखा देती हूँ। देखिए ये इसके साथ ब्लैक ब्लाउज है और ये है एक, देखिए फिर ब्लैक आ गया, अब मैं क्या करूँ, ब्लैक आ जाता है तो। और ये ब्लैक मुझे पसंद है बहुत, और ये बिल्कुल प्योर ब्लैक होता है, वैसा नहीं है, कुछ ग्रे कलर में है ये। तो एक ये है और देखिए एक है ये, इसका ये ब्लाउज है और ये है ग्रीन, तो इस पे तो फॉल पिको भी हो रहा है, उन भैया ने फॉल पिको करके दिया है। और कॉस्ट मैंने इस बार किसी भी चीज़ का नहीं बताया है, क्योंकि मैं के शो ऑफ करती हूँ, तो वो मैंने नहीं किया है इस बार। तो बताइएगा सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा आपको। ये देखिए, चलिए अब लास्ट है लोहार गली का, और वो दुकान जो आपने देखी थी वहां से देखिए मैं ये पीस लेके आई थी एक, तो बताइएगा कैसा लग रहा है। इसको हैंग कर देते हैं लाला, इसको हैंग कर दिए जरा। और कुछ लेके आई थी मनी प्लांट्स की बेल, तो जब ये डेकोरेट करूँगी तभी आपको दिखाऊंगी मैं। और उनका मैं कार्ड भी लेके आई थी, अगर आप लोगों को लेना हो आगरा में लोहार गली से, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उनकी दुकान का नाम है श्री राम डेकोरेशन, और ये मोहन मार्केट लोहार गली आगरा में है, तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है। वैसे तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि उन भैया की कितनी अच्छी दुकान है, और उनको बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेशन के फ्लावर्स के रिलेटेड सारा सामान मिलता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो एक लाइक किया करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो अभी ये इतना सारा सामान फैला हुआ है, तो अब ये सारा मुझे अभी रखना है, और अब हो चुका है शाम का टाइम, तो पूजा का टाइम भी हो चुका है, तो अभी मैं करती हूँ थोड़ी सी घर का थोड़ा काम करूँगी, फिर उसके बाद करती हूँ पूजा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए आपको फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।